मुरादाबाद में हिंदू नेता साध्वी प्राची ने आज मीडिया से बात करते हुए भारत के प्रधानमंत्री से मांग की कि वो देश के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी की जांच कराए। साध्वी के मुताबिक हामिद अंसारी ने उपराष्ट्रपति रहते हुए देश की खुफिया सूचनाएं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को देकर भारत सरकार पर आतंकवादी हमला कराया था। साध्वी ने इसके साथ ही लव जिहाद कानून बनाने की मांग की और बिहार में असउद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक द्वारा शपथ ग्रहण के दौरान हिंदुस्तान की जगह भारत बोलने पर भी सख्त आपत्ति जताई। इसके साथ ही साध्वी प्राची से जब पत्रकारों ने पूछा कि भाजपा के नेता शहनवाज हुसैन की पत्नी भी नॉन मुस्लिम है तो क्या लव जिहाद कानून के दायरे में वे भी आएंगे, तब साध्वी प्राची ने कहा कि शहनवाज हुसैन तो अपनी पत्नी को प्यार करते हैं, ये कानून तो उन लोगों के लिए है जो जुल्म करते हैं। हामिद अंसारी जैसे लोग ये जेहादी है, ये राष्ट्रवादी नहीं है, इनकी सोच जेहादी है। और जब ये उपराष्ट्रपति थे तो उस समय इन्होंने खुफिया की, हिंदुस्तान की जो खुफिया की सूचनाएं है वो सारी की सारी सूचनाएं दी थी ना ISI को। साध्वी प्राची को याद है वो सूचनाएं दी थी और हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण कराए इन लोगों ने, आतंकवादी आक्रमण। इसलिए मैं तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ और हर हिंदुस्तानी को करनी चाहिए कि हामिद अंसारी जैसे लोगों की, हामिद अंसारी की जांच होनी चाहिए ताकि पता चले ये जिहादी कितना गिर सकते हैं।